कि जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? कमाल की बात है साहब, मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर, ये बात तो संबित, नहीं ये बात नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था, मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। जैसी भाषा, नहीं सर एक सेकंड, जैसी भाषा नहीं, प्लीज अपने खाने में रहें, अपने हाथ में रहें और मेरे सवाल का जवाब दें। जैसी भाषा मैं बोल रहा हूँ, जैसी भाषा मैं बोल रहा हूँ वैसी भाषा बोलिए, वरना भी मजबूरी में मुझे आप जैसी भाषा बोलना पड़ेगा। अरे सर, फिर मैंने आपसे कह दिया आप फ्रॉड करते हैं देश के साथ, उसके लिए आप भी सच्चे हैं सर, आप भी सच्चे हैं, बाकी सब तो फ्रॉड है। बीजेपी ने संबित पात्रा को बिठाया है, उनको बोलने दीजिए, संबित पात्रा के नौकर नहीं है आप। तोता बकवास, क्या हो रहा है? अरे मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है, मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। वाह क्या सीन है। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ और बताओ, और दादा भी कुछ बोलिए, तुम हिंदू भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ और बताओ, और थोड़ी मर्यादा रखिए, पलट के मैं आपको चार शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी मर्यादा है। जज भी बन गए क्या भाई? जज भी बन गए आप? जज कितने अवतार हैं आपके? कभी साइंटिस्ट बन जाते हैं, कभी जज बन जाते हैं, कभी वकील बन जाते हैं। भाई दीपक भाई, जब आप मोदी जी के आंगन में मुजरा करने लगेंगे तो मुझे जज बनना पड़ता है। मजा आया। याद है आप का बहुत बड़े नहीं हूं। और बहुत अच्छे पत्रकार हूं मैं, अभी भी अच्छा पत्रकार हूं। झूठ बोल रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। म्यूजिक